27 तालाबों और 7 दरवाजों वाले कालिंजर किले का अपना महत्व है। इस समय हम खड़े हैं कालिंजर किले के 7वें द्वार पर। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कालिंजर किले की धार्मिक और राजनीतिक महत्व की कुछ जीवंत तस्वीरें। बुंदेलखंड के बांदा जिला मुख्यालय से 56 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है ये कालिंजर का किला। 3.20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह किला एक पर्वत पर स्थित है। किले के दक्षिण और पश्चिम में बाघिन नदी बहती है। आइए सबसे पहले चलते हैं स्वर्गारोहण कुंड। जमीन से किले के बीच पहाड़ को काटकर बनाया गया स्वर्गारोहण कुंड हजारों फीट ऊंचे। इस कुंड में पानी कहां से आता है किसी को नहीं पता, लेकिन पानी इतना स्वच्छ और इतना शीतल कि देखकर ही प्यास बुझ जाए। गर्मी हो या सर्दी ये कुंड पानी से हमेशा भरा रहता है। बुंदेलखंड भले ही पिछले कई सालों से सूखे की मार झेल रहा हो, लेकिन यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। इसी कुंड के नीचे स्थित है भगवान नीलकंठ का मंदिर, जहाँ भगवान नीलकंठ के गले से हमेशा जल निकलता रहता है। मान्यता है कि विषपान के बाद भगवान शिव को इसी स्थान पर शांति मिली थी। जब समुद्र मंथन हुआ है तो इनको चारों तरफ भ्रमण कर रहे थे, इनको शांति नहीं मिल रही थी, तो आकर के इनको कालिंजर किला पे यहाँ पर्वत में इनको शांति मिली है। तो इनके कंठ से हमेशा जल का रिसाव रहता है, कितनों भी कंठ को पोंछ दिया जाए तो कंठ से हमेशा जल का रिसाव रहता है। स्वर्गारोहण कुंड के अलावा कोटि तीर्थ, बुढ़ा बुढ़ी, राम कटोरा और मृगधारा सहित इस किले पर 22 कुंड हैं, जिनका अपना अलग ही महत्व है। मान्यता है कि बुढ़ा बुढ़ी कुंड में स्नान करने से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है। कुंडों के अलावा किले में वेंकट बिहारी मंदिर, वनखंडेश्वर मंदिर, पाथर महल मस्जिद सहित कई महल हैं, जिनमें राजा अमान सिंह महल, रानी महल, राठौर महल और चौबे महल मुख्य हैं। इस किले का जितना राजनीतिक महत्व है उतना ही धार्मिक भी। कालिंजर बुंदेलखंड का अजय दुर्ग है, सामरिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और धार्मिक स्थल है, जिसकी विद्यमानता चारों युगों में पाई जाती है और सारे हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसकी विद्यमानता है। यहाँ पूर्व में तो गुप्तकाल का साम्राज्य था, इसके बाद सुंग, कांड, मौर्य, वाकाटक, इसके बाद 9वीं शताब्दी 950 से चंदेल काल से इसका उदय हुआ और चंदेलों के बाद में इसमें बुंदेल काबिज हो गए और बुंदेलों के बाद 1806 में इसका अंग्रेजों का साम्राज्य इसमें। कालिंजर हर पुराणों में जो है इसका मतलब उल्लेख है, चाहे शिव पुराण हो, चाहे लिंग पुराण हो और इस मतलब पद्म पुराण हो, हर पुराणों में कालिंजर का लेख, श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, इन सब पुराणों में और हमारे जो है कालिंजर दुर्ग का और भगवान नीलकंठ जी का, यहाँ पे जितने भी धार्मिक मतलब तालाब हैं, जैसे कोटतीर्थ हो गया, स्वर्गारोहण हो गया, मृगधारा हो गया और राम कटोरा हो गया, ऐसे बहुत से जो हैं तालाब हैं जो अलग अलग अपना महत्व रखते। इस किले का उद्भव कब हुआ इसकी तो ऐतिहासिक कोई प्रमाणिकता नहीं है, लेकिन मान्यता यह है कि किला पहले तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र रहा है। किले में स्थित मंडूक भैरव, भद्रकाली और नृत्य करती काल भैरव की प्रतिमाएं इसे प्रमाणिकता प्रदान करती हैं। बाद में ये किला शैव धर्मावलंबियों के पास रहा। इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि यह किला लंबे समय तक आयुर्वेद के जानकार ऋषियों के पास भी रहा है। इस किले पर राजवंशों का भी शासन रहा, जिसमें चेदी, नंद, मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त राजवंश प्रमुख हैं। बागे नदी से घिरे हुए इस अजय कालिंजर दुर्ग में वैसे तो कई शासकों ने राज किया, लेकिन इसे प्रसिद्धि दिलाई बुंदेलों ने और चंदेल राजाओं ने। कैमरामैन गुलजार अहमद के साथ सूर्य प्रकाश शुक्ल, ईटीवी न्यूज़, कालिंजर।